आज हम लोग अपना नया DSLR लेने के लिए जा रहे हैं, तो अभी हम अपने घर से निकले ही हैं, पर तैयार होते होते संडे था तो लेट हो गया है, 12 बज चुके हैं। और आज हम अपना कैमरा लेके आएंगे अपने हल्द्वानी में, वो दो जगह का है, एक है रिलायंस डिजिटल, तो हम वहाँ पर भी देखेंगे। वैसे मैं एक बार देख के आ चुकी हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक GK कला लैब है, वहाँ भी जाके देख के आएंगे वो कैमरा। यहाँ हम लेने आए थे D5600, ये है निकॉन का 50,000 समथिंग, लेकिन यहाँ पे हमें पसंद आ गया है सोनी का Sony Alpha 6400, और लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है 74,000 का। फाइनली हमने कैमरा ले लिया है, सेम कैमरा है बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, विथ लेंस है, तो इसके बारे में बताएंगे मिस्टर। हेलो, आई एम पंकज जोशी। मार्केट प्राइस है कितनी है भैया? 1,09,900 रुपये। 1,10,000। 1,10,000 समथिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, में मिल रहा है वारंटी कार्ड है, 2 साल की वारंटी है कैमरा और लेंस की। ये हमारा कैमरा है, कैमरा बॉडी इस तरह का दिखता है, स्क्रीन मूव होती है, इसमें 180 डिग्री टिल्ट हो जाती है। अच्छा, कैमरा लेंस, ये लेंस का फ्लावर हुड है। अच्छा, यहाँ लगता है और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, और ये अगेन साइड को थोड़ा सा रिडक्ट करता है। ये हमारा कैमरा, हमने बॉडी कैप डेमो किया, लेंस का कैप डेमो किया। अभी हम सबसे मेन चीज़ कैमरा में होता है कि लेंस हम कैसे अटैच करें, लेंस अटैच और डी अटैच करना हम पहले सीखेंगे। तो लेंस अटैच करने के लिए हमें कैमरा बॉडी पर एक वाइट मार्क होता है, वाइट मार्क हर एक लेंस में भी होता है सोने के, तो लेंस से वाइट मार्क से हम वाइट मार्क को मैच करेंगे इस तरह से, और एक बार क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे, ये लगता है। अगर आपको अगर इसको निकालना है, लेंस रिमूव करना है इससे, तो उसके लिए आपको ये बटन दबाना है, लेंस रिलीज बटन, इसको दबाए रखेंगे और जस्ट अपोजिट साइड हम घुमाएंगे, निकल जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी लेंसेज जैसे लगाना है तो इसी तरह से लगेंगे। ये इसका IV कैप है, ये बैटरी यहाँ लगती है। अभी ये बैटरी मे भी चार्ज नहीं होगी, तो मैं आपको अपनी बैटरी से ऑपरेट करा दूँगा। ये बिल्ट इनबिल्ट मेमोरी कुछ नहीं है, 64 GB का ऐसे ही कार्ड सोनी का, ये भी यहीं लगेगा, यहाँ पर हमने ऐसे इसको लगाया, कुछ किया तो अनलॉक हो गया, कुछ करेंगे तो बाहर हो जाएगा। बैटरी निकालने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बिल्ट इन चार्जिंग ऑप्शन है इसके अंदर, अगर ज़रूरत तब है जैसे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ ना करो, जैसे 2-3 महीने आप ये कैमरा यूज़ नहीं करना, फुल चार्ज कर दी कैमरे के अंदर बैटरी, और इस बटन को दबा के बैटरी निकाल के लग रही है, जब आपको यूज लगेगा तो बैटरी लगा के फिर से यूज़ करेंगे। फाइनली हमने ले लिया है कैमरा, कवर, बैग, अनबॉक्सिंग हो गई है, एक बार और तारियों की वादियों में अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल YJ Vlogs, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YJ Vlogs। और आज हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी, जो कि नैनीताल से पहले पड़ती है, वहाँ से नैनीताल ऐसे ही 5-6 किलोमीटर रह जाता है, अगर वो खुली होगी तो अंदर जाएंगे, नहीं तो फिर भारी बाहर से वापस आ जाएंगे। और जो हमने कैमरा लिया है उसकी अनबॉक्सिंग तो हो गई है एक तरीके से, एक और बार थोड़ा सा उससे वीडियो कैसी वीडियो बनती है, क्या बनती है। और ये देखिए बाहर का व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में रोड है नैनीताल को गई, और ये है ऑब्जर्वेटरी आर्यभट्ट, यहाँ से
कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ 3 किलोमीटर्स है बस। और ये देखिए यारो, अभी हम पहुँच चुके हैं आर्यभट्ट ऑब्जर्वेटरी, चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, जो ये गेट दिख रहा है आपको, ये है ऑब्जर्वेटरी का रास्ता, लेकिन यहाँ सैटरडे और संडे बंद रहता है। तो यारो, ऑब्जर्वेटरी के दर्शन तो हो नहीं पाए। और ये देखिए चेक पोस्ट रुकी है, जो लिखा ये ऑब्जर्वेटरी जाने का रास्ता है, सैटरडे और संडे को बंद रहता है और मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है, वो भी 2 to 4, बस 2 घंटे के लिए। तो यहाँ से वही चांद तारे दिखाते हैं आपको दिन में भी, वो तो हम वैसे ही मुक्का मार के भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छे से दिखते हैं ओरिजिनल वाले। यार रोड तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड। ऑब्जर्वेटरी के सामने ही हमें पहाड़ी पे एक मंदिर दिख रहा था, तो हमने सोचा चलो ऑब्जर्वेटरी ना सही, मंदिर के दर्शन कर लिए जाएँ। चलो फिर चलते हैं मंदिर। हम यहाँ पे एक दो बार आए हैं लेकिन इतने अंदर कभी नहीं आए, और ऑब्जर्वेटरी तो हमको आज तक दिखी नहीं। ये है चीड़ का जंगल। अभी तक 3 बार गाड़ी रोक चुके हैं, हमने सोचा आगे रास्ता हो ना हो, लेकिन ये रास्ता है आगे, तो हम दोबारा वहीं तक मंदिर के पास तक गाड़ी से जाएंगे। और ये मौसम यहाँ बहुत प्यारा हो गया है, और चारों तरफ का व्यू, शायद मंदिर जाने का रास्ता यही होगा। चलते हैं, आओ। पतला सा रास्ता है, दिख रहा होगा आपको, बट व्यू बहुत प्यारा है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। ये देखिए नीचे का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, शायद रास्ता बना रहे हैं तोड़ के, ये आपको दिख सकता है। ये देखिए भैया जी काम कर रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा रास्ता, पहले नहीं था रास्ता यहाँ पर? नहीं रास्ता था, ये अभी इसमें दीवार डल है। अच्छा दीवार डल गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम मंदिर पहुंच गए हैं, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको सामने छोटा सा मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये भूमिया देवी का मंदिर है, और ये देखिए जय माता दी। ये है पायलट बाबा का मंदिर, जो कि जूलीकोट भवाली रोड पर पड़ता है। ये भूमिया देवी मंदिर। हेलो माय जे ब्लॉग, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये देखो कितना भी फॉगी है। देखिए फॉग चल रहा है हर जगह, यहाँ भी फॉगी चल रहा है। देखो बादल नीचे है और मैं ज्यादा ऊंचाई में हूँ, ये बात तो मजेदार कह दिया आपने। सिर्फ हमारे उत्तराखंड में होता है, लोग तरसते हैं ये चीज देखने के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं हमारे ऊपर भी बादल को देखने के लिए, और हमारे बराबर में भी बादल, चारों तरफ बादल ही बादल, चारों तरफ बादल, बीच में हम। और वो देखिए हरे घास के मैदान, जहाँ गाया ताजा ताजा घास खा रही है, सीधे ताजा घास खा रही है वहाँ गाया। देखो मैदान, यहाँ सुबह अगर क्रिकेट खेला जाए तो कितना मजा आएगा खेलने में। तो यार आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल YJ ब्लॉग्स। Yo.